मेरा नाम ऋषभ है, हमारी कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप मेरे चैनल पे बहुत टाइम से जो लोग देखते हैं वीडियोस, वो ये जानते हैं कि भैया ज्ञान की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज भी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, एक मुद्दा है जिस पे मेरी अभी कई लोगों से पीछे चर्चा हो रही थी, अपनी टीम से भी चर्चा हुई और भी कई लोगों से चर्चा हो रही थी, ये होती है रेट और क्वालिटी के लेकर। अब क्या है कि बाजार में तो विभिन्न विभिन्न रेट हैं, क्योंकि आप इंडिया मार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रेडर मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, जिनके रेट अलग अलग दिए होते हैं। जब आप परचेज करने जाते हैं तब वो आपको अलग रेट बताते हैं। उसके बाद क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। अब ए के पास आप गए, उसने आपको बोला 100 रुपये का ये आइटम है, हो सकता है वो क्वालिटी हो सकता है दे रहा हो, दूसरे के पास जाओगे सेम चीज़ 98 में मिल जाएगी, कहीं और जाओगे तो 95 में भी मिल जाएगी। अब ये बात कैसे पता चले कि कौन क्वालिटी दे रहा है, कौन अच्छे प्राइस में दे रहा है, इस पर बहुत चर्चा का विषय, बहुत मुद्दे उठते हैं, मेरी टीम के पास भी आते हैं, रेट पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी और इस पर मैंने लोगों से बात करी, अपनी टीम से बात करी, तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए। टीम से बोला हमने, कहा आप क्वालिटी ही दीजिए लोगों को, ठीक है, बिकॉज क्वालिटी ही एंड में टिकेगी। रेट सस्ते एक बार आदमी दे देगा, आदमी जो खरीद रहा है वो भी समझदार है, उसको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि उसको जो क्वालिटी उस रेट पे मिली है सही मिली नहीं मिली है। तो आप अपनी तरफ से अच्छे रेट्स ही दीजिए, आप क्वालिटी को ख़राब मत करिए, जो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम भी कोशिश ये करते हैं कि आपको बेस्ट रेट एंड बेस्ट क्वालिटी दें। तो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से जो बेस्ट रेट और बेस्ट क्वालिटी होगी वो हमारी टीम आपको दे देगी। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया, अभी बहुत रिसेंटली परसों की बात है, मेरे पास दो मुद्दे आए कि सर आप जो ओटी पेस के बारे में बताते हैं, जो आप कहते हैं एसेट स्टडी का सब्सिट्यूट है और झाग बहुत है, बढ़िया है, हमने आपका भी रेट लिया और एक हमने फलाना कंपनी है कानपुर में ही वहाँ से खरीद लिया, वहाँ पर वो ओटी पेस बोल के दे रहे थे। अच्छा, उनका ओटी पेस देखने में भी अलग था, हमारा भी देखने में अलग था, पर क्योंकि कस्टमर तो नया था तो उसने तो रेट के हिसाब से ले लिया और रेट में काफ़ी डिफरेंस था, लगभग 20-30 रुपए का फ़र्क था, तो उसने सस्ते के चक्कर में वहाँ ले लिया। उनको लगा कि ऋषभ भैया महंगा दे रहे होंगे, तो हमने दोनों का सैम्पलिंग मंगाया, हमने उन दोनों की जांच करी, क्योंकि कस्टमर के पास तो इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने, मैंने उनसे कहा चलिए आपने ले तो लिया, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उनको रिजल्ट नहीं मिला जैसा उनको मेरे ओटी पेस में मिलता था। तो उन्होंने एक बार तो रेट के चक्कर में ले लिया, अब अगली बार उन्होंने कहा कि सर आपका ही बेटर था, उसमें था नहीं बेटर। तो दोनों के मैंने उनसे सैंपल मंगवा लिए और सैंपल को मैंने फोम हाइट देखा जब बोतल में, तो देखिए ये जो वो ओटी पेस्ट लेके आए थे उसकी फोम हाइट थी, इसमें झाग बनी ही नहीं, वाइट कलर का उनका ओटी पेस्ट था, हमारा थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का है, और हमारे देखिए ओटी पेस्ट में पूरी बोतल झाग बन जाती है, उतनी ही क्वांटिटी रखी गई है, उतना ही पानी लिया गया, सब कुछ सेम रखा गया। तो मेरा बताने का मुद्दा ये था, यही चीज़ हमने प्रीमिक्स में भी देखी है, प्रीमिक्स के भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स चल रहे हैं बाजार में। आप एक बार सेम क्वांटिटी चाहे जैसे भी चेक करें, चाहे बाल्टी में करें, तसले में करें, मैं बोतल में कर लेता हूँ, आसान रहता है, ठीक है, हमारे पास छोटा कांटा है उसमें हम लोग सेम क्वांटिटी तौल लेते हैं, सेम पानी भरते हैं, उसके बाद उसको शेक करते हैं जब तक इसमें फोम बढ़े ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप भी करके देख लीजिए कि क्या वो वही आपको वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, जो हमारा प्रोडक्ट दे पा रहा है। अगर हमारे प्रोडक्ट से बेहतर है तो भी हमको बताइए कि हमको दूसरे जगह से ये रेट पे आपके प्रोडक्ट से बेहतर कुछ मिला, तो हम और रिसर्च करके उसको और बेटर करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बेहतर नहीं है, सिर्फ रेट ही आपको कम मिला और क्वालिटी मिली नहीं, तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए और फिर मैं आपसे बता दूंगा कि भाई ये चीज़ इस रेट पे जो मैं आपको दे रहा हूँ इससे क्वालिटी और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे अभी इनके साथ भी हुआ, मेरी पार्टी के साथ हुआ कि उनको ओटी पेस्ट बोल के क्या दे दिया गया। और देखिए कई लोग हैं ऐसा करते हैं, मतलब कानपुर में क्या, दिल्ली में भी करते हैं और भी जगहों पे करते हैं, इंडिया के विभिन्न विभिन्न कोनों में करते हैं, क्योंकि देखिए आज का जो कस्टमर है ना उसको ना इस्तेमाल करने के बाद चीज़ समझ में आती है, और जो बेचने वाला है ना उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या है कि सर रोज काम कर रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डिटेनन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री कानपुर में जितनी बड़ी है उतनी बड़ी पूरे देश में हो जाए, हर जगह फैल जाए, क्योंकि कानपुर एक ऐसा शहर है इसमें डिटर्जेंट का हब है, यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर के इतने विभिन्न केमिकल्स और इतने विभिन्न क्वालिटीज़ मिलती हैं और अच्छे से अच्छा और सस्ता सस्ता भी मिलता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप चूज़ करिए आपके लिए बेहतर क्या है। डिस्टेंस एंड रेट ये भी एक मुद्दा है, इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा,
अगर कोई व्यक्ति कहीं और है, उसको रेट ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है कानपुर से, और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो कैसे उसको करना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे बोल दूंगा कि एक बार हमारी टीम से बात करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी बेस्ट हो जाए, क्योंकि देखो मेन तो चीज़ क्वालिटी है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा क्वालिटी से। क्वालिटी अगर आपको नहीं मिलेगी, फोमाइट अच्छी नहीं मिलेगी, झाग टिकाऊ नहीं होगी, जल्दी मर जाएगी या कम बनेगी, तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनसे आप अपनी ब्रांड को नहीं चला पाएंगे। ओटी पेस्ट के रेट मैंने पूरे साल के लिए फिक्स कर रखे हैं, प्रीमिक्स के रेट मैंने पूरे साल के लिए फिक्स कर रखे हैं, स्लरी सोडे के रेट बढ़ते घटते रहते हैं, AOS एसिलियस के रेट बढ़ते घटते रहते हैं। हमारा जो प्रीमिक्स है 45 रुपीज़ प्लस GST वाला, मैं चैलेंज करता हूँ स्लरी की जगह अगर आप उसको डालेंगे अपने प्रोडक्ट में, आपका प्रोडक्ट एक तो सस्ता हो गया स्लरी से, ठीक है, स्लरी का रेट ज़्यादा है, स्लरी के रेट से 45 और इस समय 100 के ऊपर स्लरी चल रही है, 120-125 के आसपास स्लरी चल रही है, और कहाँ 45 रुपीज़ प्लस GST प्रोडक्ट है और कहाँ 125 रुपये प्लस या 120 रुपये प्लस GST प्रोडक्ट है, ज़मीन आसमान का फर्क है। तो प्रीमिक्स को आप यूज़ करिए, ओटी पेस्ट 1-2% यूज़ करिए हमारा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सपड़ा हुआ है, देखिए इसकी झाग कितनी बढ़िया है और इसकी टिकाऊपन देखिए कितना बढ़िया है, और इसकी झाग देखिए मरती नहीं है, देर तक टिकी रहती है, और इनकी झाग देखिए ये सब झाग सब हल्की झाग है, देखिए मर जाती है, ठीक है, देर तक टिकती नहीं है। ये ओटी पेस्ट के नाम से कोई और आपको बेच रहा है, हाइटा इंडस्ट्रीज़ का ओटी पेस्ट और हाइटा इंडस्ट्रीज़ के प्रीमिक्स के सैंपल से उसको चेक करेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो भ्रम में मत रहिए, क्वालिटी देख के प्रोडक्ट लीजिए। सरी का सब्सटीट्यूट है मेरे पास, सोडे का भी सब्सटीट्यूट है मेरे पास, और भी कई चीज़ों का सब्सटीट्यूट है, और चैलेंज के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीमिक्स जो मेरा प्रोडक्ट है मात्र 45 रुपीज़ पर केजी और एक 35 रुपीज़ पर केजी, दो क्वालिटी में है। जो 45 रुपीज़ पर केजी वाला है इससे सस्ता बाजार में पाउडर फॉर्म में कोई भी वॉशिंग पाउडर का कोई भी, मैं ये वॉशिंग पाउडर के लिए बात बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर के लिए बनाया है, वॉशिंग पाउडर का कोई भी फोम बूस्टर नहीं है इससे सस्ता। प्रीमिक्स सबसे सस्ता फोम बूस्टर है, और प्रीमिक्स में सफाई भी है, झाग भी है, चिकनाहट भी है, तो खुद में ही वो इतनी क्वालिटीज़ लेके है बाजार में। आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, शरीर को कम करके इसको डाल दीजिएगा तभी भी आपको झाग की कमी नहीं मिलेगी, आपका कॉस्ट गिर जाएगा, झाग आपकी बनी रहेगी। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों से कि आप लोग आइए अपना फॉर्मुलेशन हमसे रीसेट करा लीजिए, रीएडजस्ट करा लीजिए, क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी नहीं छेड़छाड़ करेंगे रेट आपका घटा देंगे, या आप बोलेंगे सेम रेट पे आपकी क्वालिटी 10-15% बढ़ा देंगे। ये सब इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जो हमने बनाए हैं वो थोड़ा सा डालने पर भी ज़्यादा काम करते हैं। बाजार में लोग स्टडी सोडे पे ही टिके हुए हैं, फिर उनका मार्केट हिल जाता है हर बार, क्यों, क्योंकि हर बार स्लरी सोडे के रेट चेंज हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो उनका प्रॉफिट नहीं बन पाता है, प्रॉफिट बच नहीं पाता है, और हर बार उनको अपनी क्वालिटी और कॉस्टिंग को घटाना बढ़ाना पड़ता है, तो पूरे टाइम यही चीज़ में निकल जाता है। प्रीमिक्स से करके देखो दोस्त, पूरे साल सेम कॉस्ट सेम क्वालिटी, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं, पूरे साल एक जैसी चीज़ मिलती रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन सेट हो जाएगा, मार्केट में रेट आपके सेट हो जाएंगे, काम करते रहो। देखो इतना ईजी कर दिया है, 4 आइटम 5 आइटम लेके वॉशिंग पाउडर बना लो, स्लरी सोडे के साथ 10-15 आइटम मिलाओगे, फिर वो गीला होगा, उसको सुखाओ, उसको ये करो। प्रीमिक्स में सूखना ही है क्योंकि पाउडर फॉर्म में ही है, गीला होगा नहीं, अगर होता भी आपको लगता है 0.5% सिलिका मिला लेना, मेरे से लेकर सिलिका पाउडर आता है उससे हो जाएगा। क्वालिटी के लिए आपको अगर जाँच करानी है, मेरे यहाँ लैब भी लगी है, आप जाँच करा सकते हो। बाकी अगर आपको सीखना है डिटर्जेंट के बारे में, केमिकल्स के बारे में, केमिकल्स सही मिलने नहीं मिलने, केमिकल्स की क्वालिटी कैसी होती है, केमिकल्स की जानकारी लेनी है, ये भी जानना है कि कितने प्रकार की स्लरी मिलती है बाजार में, कितने टाइप की उसकी परसेंटेज होती है, क्या उसकी दोनों में क्वालिटी अलग होती है, ब्राउन स्लरी अलग होती है, ब्लैक स्लरी अलग होती है, गोल्डन स्लरी अलग होती है, ट्रांसपेरेंट स्लरी भी आती है, तो ये सारी बातें ना लोगों को पता ही नहीं है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पर रिसर्च करके बैठे हैं, 60 सालों से हमारी कंपनी काम कर रही है, और हमारे साथ जो टीम है बहुत सक्षम है, हम लोग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और चाहते हैं कि आप लोग सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। हमेशा मल्टीपल चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको सिंगल चीज़ पता है ना, किसी ने बता दिया यही स्लरी है यही सोडा है, भाई स्लरी सोडे से अलावा भी वॉशिंग पाउडर बन जाता है, हम लोग बनाते हैं बिना स्लरी सोडे के वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, और किसी भी रेट पर उसको सेट कर सकते हैं, किसी भी रेट पर बना सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छी बनाते हैं। वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए लोगों को पता है कि 10-12-15 आइटम होते हैं, हम लोग ज़्यादा आइटम्स के बारे में जानकारी रखते हैं, 100 से ऊपर आइटम है जिनके कॉम्बिनेशन से वॉशिंग पाउडर बनाया जा सकता है,
तो उसके में हमने चूज किया है ओटी पेस्ट और प्रीमिक्स, और ओटी पेस्ट भी हमने आपको बताया कि कोई और ओटी पेस्ट नहीं, किसी और का ओटी पेस्ट नहीं, आप हमारा यूज करिए, आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। बाकी 5 मार्च को कानपुर में ही एक दिन की ट्रेनिंग है, सुबह 11 बजे आपको ऑफिस आना है, शाम के 5 से 6 बजे तक ऑफिस में रहना है। 12 प्रोडक्ट्स, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट, इन सब तरीके के 12 प्रोडक्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, 12 नए प्रकार के बिजनेसेस, 12 तरीके के फॉर्मुलेशंस, और कई तरीके के उनके और फॉर्मुलेशंस अलग अलग रेट पे आपको मिलेंगे। एक फॉर्मुलेशन बुक मिलेगी, साथ में आपको लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे आते ही, और सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइएगा, एक मेंबरशिप कार्ड लेके जाइएगा। पूरे साल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑफिस आवर्स में आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो यही सब सारी फैसिलिटीज़ कोई और प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ मात्र 2500 रुपये में है, सबसे कम फीस भी रखी हुई है आप लोगों की सहूलियत के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा काम करने से पहले सीखे, सीखेगा फिर काम करेगा सक्सेस होगा, बिना सीखे काम करेगा फेलियर होगा। अच्छा, बनाना प्रोडक्ट की मेकिंग एक अलग चीज़ है, सेलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेलिंग भी सीखे। सेलिंग जो नहीं सीख पाया है अभी तक, या उसको अभी कुछ आइडिया नहीं है कि भाई प्रोडक्ट तो बना लिया, अब लेके कहाँ जाना है, किसको देना है, तो आके अपनी सेलिंग का भी ज्ञान ले लें हमारी टीम से। तो ये पूरी फैसिलिटी आपके लिए ही रखी है, 25 सीट्स है। देखो छोटा ऑफिस है मेरा, बहुत बड़ा नहीं है, एक बार में 25 से 30 लोग ऑफिस में बाहर रूम में आ जाते हैं। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा क्राउड को हैंडल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो सेमिनार इतने आइटम्स के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। 12 आइटम में सबसे ज़्यादा आइटम भी सिखा रहे हैं, तो आके यहाँ पे सीखिए, समझिए, फॉर्मुलेशन लीजिए, प्रैक्टिकल आंखों से देखिए, मस्त आपको आना है। आपको एक दिन रुक सकते हैं, आप जिस दिन सेमिनार है उस दिन उस रात में रुकिए कानपुर में, रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ कोई भीड़ नहीं चल रही है, आराम से टिकट्स मिलनी है, यहाँ कोई समस्या नहीं चल रही है, कानपुर में बिल्कुल शांति है, बढ़िया तरीके से आप आइए। रेलवे स्टेशन के थ्रू आ सकते हैं, बस के थ्रू आ सकते हैं, कई लोग दूर दूर से फ्लाइट से भी आते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेक कर लीजिए। वहीं पे रेलवे स्टेशन के पास पे अच्छे आपको सस्ते बढ़िया आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे रुकने के, अपने रेट के और बजट के हिसाब से आप देख लीजिए। वहाँ पे रुक के ऑफिस वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर पे, 3.5 किलोमीटर पे आइए मेरे पास, ऑफिस में बैठिए, अपनी चीज़ सीखिए, एक दिन रुकिए, अगले दिन और डाउट्स जो भी आपके पास होंगे, पेन पेपर भी क्योंकि मैं ही आपको दूंगा, अपने डाउट्स लिख लीजिएगा, अगले दिन आके वहीं पे ऑफिस में पूछ सकते हैं। तो बहुत आसान मैंने कर दिया है, अब आपका मन क्या कहता है, आपको सीखना है। मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तो लोगों का लाइफ चेंज कर रहा हूँ, लोगों को बहुत सारे लोग सीख के गए, हजारों लोग हमसे महीने में जुड़ते हैं अलग अलग माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ऑफिस आके, ट्रेनिंग के माध्यम से, या कोई भी कंसल्टेंसी जो हम लोग करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे भी जाकर, वहाँ से भी जुड़ते हैं। आपका क्या मन है, आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, काम कर रहे हो चाहे काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो तो और बड़ा कैसे करना है, स्केल अप कैसे करना है, उसको छोटे से और बड़ा कैसे बनाना है, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। काम नहीं कर रहे हो कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। बजट क्या होगा, कम से कम बजट पर ट्रेनिंग देते हैं। क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। क्वालिटी कैसे बाजार में किस रेट पे देनी है, उस रेट का भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस रेट पे दोगे आपका प्रॉफिट ये होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ये होगा, रिटेलर का ये होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, लोग दे ही नहीं पाते हैं। ट्रेनर जो और अदर्स हैं, अगर आप उनको भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, वो आपको मोटी मोटी बात बता देंगे। और सबसे ज़्यादा हमने देखा है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को चीप प्रोडक्ट्स बनाना सिखाना, 3 रुपये का बनाओ, 5 रुपये का बनाओ, 10 रुपये का बनाओ। अब आप खुद भी सोच के देखिए कि अगर आप खुद भी इसको बनाएंगे, आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप इसको बनाएंगे और आप अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या किसी को क्या दे पाएंगे ये 3 रुपये और 5 रुपये का प्रोडक्ट, और देंगे भी तो आपकी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट काम नहीं करते। देखने में एक जैसा दिखता है, वही मैंने आपको बताया, देखने में ओटी पेस्ट दिख रहा था, लेकिन ये काम देखे नहीं करता है, ये असली और ये नकली की पहचान है। तो असली और नकली की पहचान कैसे करें, इसी वीडियो का शीर्षक भी हमारा यही था, टाइटल भी यही था, और मैं ये चाहता था कि आप तक मेरी बात पहुँचे। तो असली और नकली को जब आप कंपेयर करेंगे एक जैसे एनवायरनमेंट में, एक जैसी कंडीशन में अगल बगल रख के, तो आपको पता चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन। तो आप चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, कोई कमी है बताइए, मैं सुधार दूंगा, क्योंकि इंसान से या टीम से मेरी भी गलती हो सकती है, लेकिन सुधारना मेरा कर्तव्य है। मैं लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। आगे आप भी बढ़िए हमारे साथ मिलके, आप भी कुछ नया सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अभी तक नहीं किया तो,
और कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्क्रीन पे नंबर्स हैं, इस पे आप फोन करके भी बताइएगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई प्रोडक्ट चाहिए, या आपको कोई टेस्टिंग करानी है, या आपको मेरी ट्रेनिंग सेमिनार में आना है, तो स्क्रीन पे जो भी नंबर्स हैं, हमारी टीम को सुबह 11 बजे से शाम के 6 6:30 बजे तक ऑफिस आज है, मंडे से सैटरडे के बीच में, इसमें कॉल करिएगा, संडे बंद रहता है, मंडे से सैटरडे ऑफिस आज में कॉल करिए, टीम से संपर्क करिए, टाइम बुक करिए, ऑफिस आइए, अपनी ट्रेनिंग करिए। डेली ट्रेनिंग का भी एक ऑप्शन है और मंथली ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है, और ऑप्शंस पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी ही आएंगे, कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी जल्दी आएंगे, और कुछ इस समय मैं मोटिवेशनल वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो भी आपको बहुत जल्द मेरे से देखने को मिलेंगे। सपोर्ट करिए, आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, कुछ गलत भी है तो भी मुझे बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। और एक बात और है कि मुझे कमेंट पे जैसे आप लोग लिखते हैं ना, आप कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो चैनल पे, ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप लोग अलग अलग जगह से मैसेज करते हो या कमेंट करते हो कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं नेपाल से हूँ, मैं फलाना कंट्री से हूँ, या मैं इंडिया के इस कोने से हूँ, तो मुझे कमेंट करके अपना नाम और लोकेशन लिखना कि आप लोग देखते हैं कहाँ से वीडियोस, से मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। वो एक डायलॉग है ना कि हाउ इज़ द जोश, तो मेरा जो जोश है ना वो आपके कमेंट से और हाई होता है कि यार इतनी दूर से भी आदमी मेरे वीडियोस को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, देख रहा है, और उसने दिल से मेरे को प्यार भेजा, अपना नाम भेजा, तो मुझे सुन के और देख के अच्छा लगता है। तो कमेंट करते रहिएगा, मोटिवेशन मेरा भी हाई रखिए, ताकि मैं भी आपका मोटिवेशन कर सकूं, आपको भी मोटिवेट कर सकूं, और आपको अच्छे प्रोडक्ट्स वॉशिंग पाउडर के, जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक झाग, सफाई, चिकनाहट, देर तक झाग टिके, और जो भी समस्या है, देखने में सुंदर हो, परफ्यूम, हर चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, और लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट बना के बाज़ार में देना चाहते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि वो सक्षम हों, अपने पैरों पे खड़े हों, और अपनी साथ लोगों को और जोड़ें, रोज़गार फैले देश में, रोज़गार बढ़े, यही सोच के साथ हम भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और आपके साथ जोड़ रहे हैं, जन जन से जोड़ रहे हैं, ऐसे ही आप भी हमसे जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो बताइएगा, यस लिखिएगा कमेंट में वीडियो, और अगर कोई ले चुके हैं तो भी बताइएगा, मैं उस पर काम करूँगा। हैव अ गुड डे।